वेल कल्चर्ड यू नो खानदानी लड़का है. सो आई वाज लाइक ओके ऑल आई विश फॉर एनीबडी इज लव बिकॉज दे रियली गिव अस सो मच लव. हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे मिले थे एक दूसरे को लाइफ में व्हेन वी वर ऑल यू नो वेरी न्यू टू सॉर्ट ऑफ फैंडम स्टारडम. कई बार नहीं भी सीखते, कई बार 10 बार गलती करते हो तब शायद सीखते हो, कई लोग एक बार में सीख लेते हैं. एक्टर्स और यू नो जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत ईजी होता है बबल में चले जाना एंड वो बबल कब बर्स्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता. जब पर्सनली आप कुछ अटैक करते हैं तो आई थिंक मेरी एक ड्यूटी है अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का. मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. मैं अपनी जर्नी पे चल रही हूँ एंड माई मिस्टेक्स टीच मी. सम पीपल आर लाइक ये तो नहीं करना है ये जो हो रहा है ये नहीं करना है. हाई दिस इज रिधि डोगरा. हाई दिस इज शिवन नारंग एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन फर्स्ट इंडिया. कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग. A very warm welcome to the hashtag Unfiltered Baatcheet with me, Roshni. And aaj hamare saath hai the gorgeous and talented Riddhi Dogra and the charming and the heartthrob, I would say, Shivin Nanam. Welcome to First India. Thank you, Roshni. Thank you so much. So firstly, barsaat se sabki alag hi tarah ki yaadein judi hoti hai. Aap दोबारा से एक सॉन्ग लेकर आए हैं. टी सीरीज ने कई सारे ऐसे गाने लाए हैं बरसात को लेकर रोमांटिक फील को आगे लाते हुए. सो इस बार आप हमें एक फ्रेश केमिस्ट्री फ्रेश जोड़ी दिख रही है. कैसा रहा आपका ये बरसात का कोलैबोरेशन टी सीरीज के साथ? एक्चुअली बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बारिश का गाना हमेशा ही बहुत स्पेशल होता है और हम देखते हैं जब भी बारिश का सीज़न होता है तो ऐसे कुछ गाने निकल के आते हैं. एक एक हमेशा सही रहा है, चाहे अगर हम पुराने कुछ सॉन्ग्स भी देखें या फिर जो भी लेटेस्ट सॉन्ग्स भी हैं, जब भी कोई बारिश का सॉन्ग आता है चाहे कोई फिल्म में आए या म्यूज़िक वीडियो में आए, उसका एक अलग ही क्रेज़ होता है. एक लोगों को अपना एक एक एक्साइटमेंट सी होती है कि अरे बारिश में सॉन्ग शूट किया है. इवन एज एक्टर्स ऑल्सो एक एक्साइटमेंट भी होती है और साथ में एक बिकॉज हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक वो भी होता है अच्छा बारिश में भीगना. वो अपना खुद का पर्सनल स्ट्रगल होता है कि बारिश में भीगना होगा, 3 दिन बारिश में शूटिंग होगी, ऐसा होगा. बट एक एक्साइटमेंट हमेशा रहती है बिकॉज जो लुक एंड फील बारिश में आती है कोई भी गाने की वो किसी में नहीं आती. टॉकिंग अबाउट आ सॉन्ग बरसात हो जाए ऑन टी सीरीज कुछ कहने की बात नहीं है. इट्स वर्ल्ड्स नंबर वन लेबल एंड फॉर म्यूजिक ऑल्सो दे आर नंबर वन इन म्यूजिक. तो उनका म्यूजिक तो कभी गलत कभी कहीं जा ही नहीं सकता. दैट्स वॉट वी बिलीव एज एन ऑडियंस ऑल्सो. सो जब मैंने गाना सुना एंड मुझे बहुत अच्छा लगा गाना एंड जो बारिश की फील थी, जो जुबिन की वॉइस, पायल, इवन द जितनी भी पूरी टीम थी साथ में, तो मुझे बहुत बिलीव था कि बहुत अच्छा होगा. देन we got to know that me and Riddhi are doing it together. So it could be excitement thi because as an actor, you know, like we have met for the first time during the song. But as an actor, ek, obviously there is a respect and there is something that, okay, when you are like doing something with an actor. So it's always an excitement also and ek belief bhi hota hai ki actor bhi achha hai, to aapko aur zyada achha lagta hai uske baare mein. So mera first reaction and excitement kafi zyada thi gaane ko lekar, hum dono ki chemistry ko lekar aur jaise song aayega usko lekar. And I guess humne justice kar hi liya hai. Jo first day jab kal release hua song, kafi logo ko pasand aaya. People are loving it, comments bahut acche acche aa rahe hain. To abhi tak to matlab all is going good and I'm really happy. Riddhi, how was it shooting with Shivin? क्योंकि जैसे कि कह भी रहे कि पहली बार आप मिले उनसे, so कैसा रहा ये बरसात का मौसम उनके साथ? So I'll tell you exactly जो मेरी feeling थी जब मैंने गाना सुना था. मुझे you know I heard it and it was a very very passionate song. मतलब गाना सुन के ही मुझे ऐसे लगा that this is intense and it's got so much energy. रोमांस, दिस रोमांस इज ओजिंग आउट ऑफ द सॉन्ग. तो बहुत ज़रूरी होता है जब आप एज एन एक्टर जब आप ऐसे ऐसी चीज़ें शूट करते हैं या ऐसे गाने या ऐसे सीक्वेंसेस शूट करते हैं, द कम्फर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद हु यू आर शूटिंग विद. सो आई रिमेंबर यू नो मुझसे पूछ भी रहे थे और बता भी रहे थे यू नो कोई है अगर आपके दिमाग में तो बताइए, हु वी आर लुकिंग फॉर समबडी बट यू ऑल्सो टेल अस हु यू नो इफ देर आर एनी पीपल. एंड
obviously they did their work. Yeah. And when I heard Shivan is doing it, although मैं शिवन को पहले नहीं मिली थी कभी भी, but I had known of him through people and whatever little I had seen of him and heard of him, मैं बहुत खुश थी that Shivan is doing it because I mean, as a very personal thing, but as an actor, as a female actor, you know, you want comfort. And yes. I knew that Shivan is well-cultured, you know, khandani ladka hai. So I was like, okay, very good, he's doing it. I'm comfortable. Now, no problem. Whatever they make me do, I'll be, you know, it'll be easy. Because it's very difficult to set that chemistry. Yeah. Agar aap... कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या टेलीविजन सीरियल कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं या वेब सीरीज कर रहे हैं यू हैव वर्कशॉप्स यू हैव यू नो लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर टू बिल्ड अ केमिस्ट्री बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है यू नो यू हैव टू वी गॉट वन डे ऑफ रिहर्सल एंड देन हम सीधा देहरादून मसूरी में मिले हैं शूट पे सो इट्स डिफिकल्ट यू नो इतना इतना इंटिमेसी के साथ आपको शूट करना है किसी के साथ सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेव लेंथ और लेवल हेडेड इंसान हो सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट ही वाज डूइंग इट आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू सेड कि मतलब इनके साथ आप करने वाले हैं म्यूजिक वीडियो ऑल्दो हमने आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में या आप तो बहुत यू आर द म्यूजिक वीडियो किंग नो 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 नथिंग लाइक दैट इनके साथ करने का नो 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 नहीं लुक हम कभी मिले नहीं थे बट ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री सेम चीज पे काम करते हैं तो आई नो दैट रिधि इज अ गुड एक्टर वेरी गुड एक्टर तो एक हमेशा से ही पता है लाइक थ्रू द जर्नी हम कभी मिले नहीं बट इस कई लोगों से नहीं हम मिले होते बट पता होता है हमने कभी कहीं ना कहीं काम देखा होता है सो आई वॉज रियली एक्साइटेड मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट एक आपको मजा आता है यू वर्किंग विद टैलेंटेड पीपल एंड रिधि का कोई मतलब एक्टिंग में तो सबको ही पता है कोई ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि या किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कई कई बार कोई एकदम ही न्यू कमर होता है तो एज एन एक्टर कई बार आपको लगता है कि ओके कैसा होगा ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छा हो बट फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा जैसे रिधि ने बताया म्यूजिक वीडियोज में क्या होता है हम मुश्किल से कई बार एक या दो बार रिहर्सल होती है फिर सीधा सेट पे मिलते हैं तो कई बार वो कंफर्ट लेवल सेट हो पाता है या नहीं हो पाता है इवन देन यू हैव टू वर्क हां पर्सनली ऑब्वियसली शी इज अ फीमेल एंड शी इज डूइंग दीस लाइक एक सॉन्ग करने में एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एज अ गाय आल्सो यू फील के ओके सब ठीक रहेगा शी विल बी कंफर्टेबल कैन वी डू दीस स्टेप्स कैन वी डू जस्टिस टू द सॉन्ग कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग में सॉन्ग में जो चाहिए वो दे पाए या नहीं दे पाए बट ऐसे कोई थॉट्स रिद्धि के साथ नहीं थे आई नो शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है एंड बाकी हम वहाँ गए एंड आई गेस इट वॉज ऑल ऑर्गेनिक हमारी जैसी भी ट्यूनिंग हुई ऐसा नहीं था कि कोई ज्यादा ट्राई कर रहा था शी इज नॉट ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन नीदर आई आई तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था ऑर्गेनिकली वी जस्ट एक अच्छा सा हमारा एक अपना एक बॉन्ड बना एंड वी हैड फन शूट पे बहुत मजा आया एंड हमने काफी अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया है और काफी शूट किया है और ये मतलब बहुत कम म्यूजिक वीडियोस होते हैं जो इतने दिन चले वी हैव शॉट फॉर अराउंड 5 डेज सो दैट्स अ बिग थिंग इन अ हां 3 डिफरेंट सिटीज यू कैन से नॉट इवन लोकेशंस 4 एक्चुअली सो एक अपने आप में ही इट्स अ बिग थिंग एंड आप जितने भी वीडियोस मैंने कहा काफी सारे आते रहते हैं बट इस लेवल का इस ग्रैंडियर का वीडियो कम देखने के लिए मिलता है सो या वी आर वेरी हैप्पी आई गेस जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट देखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा रिधि से भी मेरी बात हुई थी शी आल्सो इज लाइकिंग इट तो सब अच्छा रहा एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट बाकी आप लोग हो आप लोगों को पसंद आ रहा है आप लोगों के थ्रू लोग भी देख रहे हैं And I wish जिसने नहीं भी देखा वो प्लीज जाके देखिए बरसात हो जाए। By the way, her question was रिद्धि के साथ काम करके कैसा रिद्धि के साथ काम करके बहुत 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 अच्छा लगा मैंने कितनी तारीफ की है genuine तारीफ अरे नहीं मैं मतलब मैं थोड़ा तारीफ के मामले मुझे समझ नहीं आता I don't know Leo, वो सिर्फ अपनी तारीफ कर सकता नहीं 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 मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा I guess तो जैसे हम छोटे होते हैं तो बरसात होती है तो अलग ही फीलिंग होती है लेकिन जैसे बड़े होते हैं बरसात को देखने के बाद वो फीलिंग्स चेंज अरे नहीं नहीं ऐसी कोई फीलिंग चेंज नहीं हो जाती आप रिधि से मिल लो रिधि की कोई फीलिंग चेंज नहीं हुई वहाँ कट हुआ है क्या हुआ बारिश का
बारिश के सॉन्ग्स में कई बार क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रेन होती है जो बिकॉज़ आपको कंट्रोल वे में शूट करना होता है। उस दिन सच में भी बारिश आ गई, कई बार ऐसा हुआ, दो चार पांच दिन में एक दो बार ऐसा हुआ कि खुद भी बारिश चल रही है, शॉट भी चल रहे हैं, रिद्धि इधर जो देख के भागे बारिश बारिश। तो आई गेस जो रिद्धि को जितना बारिश से प्यार है ना, मुझे लग रहा है, मैं कल ही बात कर रहा था, मैं तुम्हें ना चार पांच गाने और प्रोड्यूसर्स बोलेंगे और कर लो और कर लो, बारिश के सारे सॉन्ग तुम ही करो। जेन्युइनली ना लड़कियों को बारिश पसंद होती नहीं है बिकॉज उनका मेकअप साड़ी ये वो बाल सब खराब हो जाते हैं, बट रिद्धि चाहे शूट चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको बारिश बहुत पसंद है, उसको बारिश में जाना। ऐसा है रिद्धि कि बचपन में जो फीलिंग थी आज भी वही है? एक्चुअली बचपन में मतलब यू नो व्हेन यू आर किड्स तो अब कहाँ इतना, बारिश हमेशा से ही इंजॉय करती थी, बट एज अ ग्रोन अप और बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ आई हैव रियलाइज्ड आई लव मॉनसून्स। मतलब लिटरली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं बैठी हूँ, इफ आई एम जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग पीपल विल थिंक आई एम क्रेजी, यू नो इट्स स्टार्टेड रेनिंग आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस, आई जस्ट स्टार्ट स्माइलिंग, इट जस्ट मेरे को बहुत खुशी मिलती है बारिश से, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। हाँ मैं डांस करती हूँ, अभी यू नो इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम पे बोलती हूँ गाइस इट्स रेनिंग और सारे लोग यू नो एवरीवन्स लाइक या शट अप हमको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, आई एम लाइक नो आई लव रेन, मींस आई एम वन ऑफ दोस पीपल, आई एम रेन रेडी आल्सो, मैं इफ आई हैव टू स्टेप आउट इन द रेन टू वॉक आई विल वॉक, आई कैन वॉक, आई हैव माय रेन शूज रेन बैग, मुझे मतलब बारिश से चिड़नी होती जो बहुत सिटी लाइफ में रह के बहुत लोगों को होती है, और सब लोग यही बोलते हैं हाँ बारिश अच्छी है, घर में बैठ के बारिश अच्छी लगती है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मुझे बाहर भेज दो, आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन रेन। जब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपीरियंस की, जैसे मैं बात कर रही थी छोटे रहते तो अलग होता है, बड़े होते तो अलग फीलिंग आ जाती है, सो लाइफ एक्सपीरियंस में भी कई सारी ऐसी चीज़ होती है, आप सीखते चलते हो आगे बढ़ते चलते हो, आप किस तरह से लेते हो ये चीज़ों को, हाउ डू यू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दोस थिंग व्हाइल वॉकिंग अहेड इन योर लाइफ? दिस इज अ वेरी जेनेरिक एंड अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एज हु यू आर, वेदर यू आर एज अ पर्सन और यू आर एज एन एक्टर, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं, आपकी जर्नी होती है, इंसिडेंसेस होते हैं, उससे आप सीखते भी हो, कई बार नहीं भी सीखते, कई बार 10 बार गलती करते हो तब शायद सीखते हो, कई लोग एक बार में सीख लेते हैं। सेम एज एन एक्टर ऑल्सो आप जो भी लाइफ में देखते हो सीखते हो, यू ग्रो अप, सो वो सब दैट इज हु यू आर, योर एक्सपीरियंस इज वॉट यू आर आई बिलीव, एंड वॉट यू लर्न इज वॉट यू आर एंड वॉट यू इम्प्लीमेंट, सो आई गेस That is what life is. उसमें कुछ ऐसा कुछ सोचने का नहीं है, लाइफ अपने आप होती रहेगी, अगर आप नहीं भी चाहोगे कुछ करना तो लाइफ विल गो ऑन एंड यू विल इवेंचुअली लर्न थिंग्स एंड यू विल इवेंचुअली मेक मिस्टेक्स एंड इट्स नॉट मिस्टेक्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कॉल इट मिस्टेक्स, दैट्स नॉट मिस्टेक दैट्स लाइफ, सो दैट्स हाउ आई सी इट, इट्स वेरी एंड आई लर्न फ्रॉम इट। एज एन एक्टर आप थोड़ा और ज्यादा ऑब्जर्व करते हो उन चीज़ों को, या फिर अगर आपकी लाइफ के अंदर जो भी घटा होता है यू ट्राई टू री रिमेंबर इट एंड रीलिव इट फॉर योर पर्टिकुलर सीन्स एंड एवरीथिंग, बट अगर एक्टिंग की बात हटा दो इन योर लाइफ ऑल्सो व्हाटएवर लाइफ के जो इंसिडेंसेस होते हैं उनसे आप सीखते हो और यू बिकम अ मैच्योर पर्सन, तभी मैच्योरिटी कहते हैं ना, यू मैच्योर हो गए हैं, सो आई गेस दैट्स हाउ आई सी इट्स राइट। Like to know from Riddhi, क्योंकि जब मैंने आशा से बात की तो she told कि you have been there, जब वो ups and downs वाला phase था उनका and you have been the constant support, how that life has been? I think you know like he said कि एक life की journey होती है, वो journey चलती रहती है, आप mistakes से सीखो या नहीं सीखो it keeps going on, if you don't learn from your mistakes तो loop चलता रहेगा till you learn you know your lessons, but I think I'm just, if I talk about myself, मैं introspection बहुत करती हूँ and I'm actually one of those people, I'm very hard on myself, actually that's something I need to learn from Shivan, because जो थोड़ा बहुत time मैंने इसके साथ spend किया है, he's very, I don't know him personally, but I feel like he's very easy on himself, he takes it easy on himself, I'm just the opposite, I'm very hard on myself, so I think when you are like that as a person, मैं बहुत check करती रहती हूँ अपने आप को, evaluate करती रहती हूँ,
you know, and my endeavor is always to try and be a better version of myself. So what happens when I do that is मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. मैं अपनी जर्नी पे चल रही हूँ एंड माय मिस्टेक्स टीच मी व्हाट टू डू. समटाइम्स अदर पीपल्स मिस्टेक्स आल्सो टीच यू व्हाट टू डू. यू नो यू सी सम पीपल आर लाइक ये तो नहीं करना है, ये जो हो रहा है ये नहीं करना है. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट एंड आई डोंट नो आशा किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, बट वी हैव लिटरली ग्रोन अप सॉर्ट ऑफ टुगेदर. यू नो आशा मी फ्यू ऑफ अस हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे मिले थे एक दूसरे को लाइफ में व्हेन वी वर ऑल यू नो वेरी न्यू टू सॉर्ट ऑफ फैंडम स्टारडम और यू नो पीपल वर अप्रिशिएटिंग अस एंड यू नो बहुत प्रेज मिल रहा था पॉपुलैरिटी और व्हाटएवर यू मे कॉल इट. सो उस टाइम पे क्या होता है कि एक बबल सा बन जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड एट दैट टाइम व्हेन यू नो एवरीवन इज मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ यू और ट्राइंग टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ यू, बट एक रियलिटी चेक की जरूरत होती है. सो आई थिंक वी मेट एट दैट टाइम एंड वी ऑल वेंट थ्रू सर्टन थिंग्स अराउंड द सेम टाइम. सो I think it's just being supportive and reality check zaruri hai. I really feel actors or you know jo hamari industry hai bahut easy hota hai bubble mein chale jana and wo bubble kab burst ho jata hai pata bhi nahi chalta, you know. Yeah. So it's very important to be grounded. Yeah. And yeah, so my focus always stays there that no matter what the outside may be. Yeah. But I have to be grounded from inside. Being an artist is also very difficult. Yeah. You know, because social media pe kai baar they start targeting you for no reason. Matlab artist ko target hi kar rahe hain, but okay. Yeah, we have recently seen aapko bhi and you have been, you know, very vocal about it. Ki yaar, stay away. You have been, you know, spoken about it. How do you, kyunki aise online to hum dekh lete hain. You have been also speaking. Lekin what is in your mind? I only have love for people, honestly. I mean, whoever may, you know, say anything online, I don't know them. I'm here as an artist. I'm here. I've been working for many, many years and I will continue to work, you know, till I die. I say that, ki main to Zohra Sehgal type hoon. I will keep working. No matter what fads and, you know, industry mein kya hota rahega, I'll keep working and I'll keep choosing good work and I'll keep, you know, bettering my craft. But you know they are viewers and वो audiences हैं और उनकी हर बात सर आंखों पर जब personally आप कुछ attack करते हैं तो I think मेरी एक duty है अपनी अपना point of view देने का and उसमें भी I don't take anything badly because it doesn't matter what they have to say, you know. Yeah. It really doesn't matter. All I wish for anybody is love because they really give us so much love. चाहे वो मुझे दो दे इसके fans इसको दे किसी और के fans किसी और को दे. I feel you know just for anybody to give us love is a very very big deal. तो चाहे वो मेरे fans हो या किसी और के, I think they are just it's the most selfless thing you can do. आप अपने दिन से time निकाल के किसी के लिए messages करते हो, किसी के लिए you know किसी के लिए इतना आप जान देते हो, you know you edit their pictures, you make reels. I think I have a lot of respect for people who love our work and who make us who we are. So I just have a lot of love for them. Rindhi ki I guess dono side hongi. She is a serious one also. Thoda bahut fun bhi karti hogi. Ji. Main ek to ye things main bahut gussa karti hu. Which is not true. Bachpan mein main aisi nahi thi. I was actually this is how I think. Yeah. It can be very different. I was very naughty with my circle of friends. Yeah, I was like really very naughty. And I was like I know